सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो यार, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में। एक ऐसा एग्ज़ाम जिसका नाम सुनने पर हर स्कूल के बच्चे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलो यार, शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो बिना कोई देरी के। वेलकम टू नीचे से डालो न्यूज़। आज हम आए एक ऐसे बच्चे के घर को जो सपने में देखा और उन्हें पास हो गया। तो हम बात कर रहे हैं विशाली की। विशाली, तो आपका क्या कहना है? हाँ, बहुत बहुत मेहनत करा मैं एग्ज़ाम में, बहुत अच्छा लिखा मैं। क्या लिखे आप एग्ज़ाम में? सही बोलूँ तो मैं कुछ भी नहीं लिखा, खाली KCR अन्ना तक पहचाना थे अपनी बोल के लिखा और मैं पास हो गया। मालूम तुम लोगों को? अच्छा, तो आप KCR अन्ना को बीच में कहीं को लेके आए आप? हमारे बाबा बोले चाचा विधायक है हमारे, बोलना बोल के। और बच्चों को छेड़ते थे आप? हाँ छेड़ता था मैं, समरीन अमरीन को छेड़ता था, सनम रे बोल का गाना गाता था और ना स्कूल का ना ठहर के पानी पूरी खाते थे। तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं आपके जूनियर्स को? मैं बस इतना बोलना चाह रहा हूँ भाई, जाते जाते पुट्टियों को तो छेड़ के जाना, जाके पढ़े हंसर अच्छे याद होते। तो आप छेड़ते थे बच्चों को? हाँ मैं छेड़ता था, जाते वक्त दो बच्चों को छेड़ता था मैं। इमरान खान के गाने गाता था। तो किसके गाते थे आप? यो हनी सिंह के? इमरान खान के ज़्यादा गाने गाते थे आप? बोलो आप किसके गाने ज़्यादा गाते थे? मैं देखो भाई इमरान खान के ज़्यादा गाता था, गुड़िया नहीं तेरे। अरे वो तो यो हनी सिंह। अराउंड 4 आवर्स डेली। फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स में अभी आपको मार्क्स पता लग गए? हाँ, मैथ्स 100। सारे बच्चों को ले गए आप? आगे क्या करना है फ्यूचर में? मैं DU में एडमिशन लेना चाहती हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं? तो क्या मतलब क्या सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं फ्यूचर में? कॉमर्स। आई ऑप्टेड फॉर कॉमर्स मैथ्स फॉर 11th एंड 12th। नहीं, अपने बहन को खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही कि मैं पास हो गई। नहीं नहीं, अपने बहन की सास बता रही है कि सास मतलब ब्रीथिंग यार, ब्रीथिंग। सास मतलब वो वाली सास नहीं, अपने बहन की ब्रीथिंग बता रही है कि अपना ही रिजल्ट देख लिया या किसी और का रिजल्ट देख लिया, रिजल्ट पे विश्वास नहीं हो रहा। अपनी बहन इस टेंशन से बाहर निकली नहीं कि न्यूज़ रिपोर्टर था गए और वो भी ऐसे मुंह कने ले के आके घुसा देना माइक पूरा, आप बोलो बोल के। कैसा करते कि यार, इतना समझ में नहीं आता मेरे को। अच्छा हुआ सारा डूट ठहरा था बोल के, नहीं तो माइक पूरा मुँह में डाल देता था, बोलो बोलो बोल के। नहीं नहीं, भले ही अपनी बहन पास भी हो गई हो लेकिन डर अभी भी लगा है कि आगे कुछ बन पाऊंगी या नहीं, क्योंकि इतने अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अपनी बहन ने कॉमर्स चूज़ किया है। मेरी आखिरी फटे हुई थी भाई, बोर्ड एग्ज़ाम बोल के साल भर से फटे हुई थी मेरी। हॉल टिकट आया, कहाँ सेंटर पड़ा कि क्या नहीं, कि वो तो घर करने पड़ा। बाजू से भैया चिट्ठियाँ दिखाते बोले, मगर भैया उनकी गर्लफ्रेंड से बातें कर लेते बैठ गए। बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम लिख के मैं पास हो गया। देखो आज हमारे बाबा गाड़ी दिलाते बोले पल्सर की नहीं निकली कहते। मैं रात रात भर फूक लेते फिरता था छत पे। अरे कुछ ब्यौर समझेंगे, दुआएँ पढ़ के फूक लेता था जी। हाँ वो दुआएँ पढ़ ले के मैं जो है बहुत बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम लिखा। क्या समझ रहे, स्कॉट को इधर उधर से घुमाया मैं, घुमा घुमा के उसको एग्ज़ाम लिखा मैं। बाजू एक बच्ची थी, मैथ्स का पूरा मस्त दिखाया उसको, मगर मेरे को दिखाना है जब हाथ दे दी। मैं भी बोला आप साइंस का बताता हूँ, ये मोटी तेरे को बोल के बताया ही नहीं। मैं भी उसको खामोश बढ़ गया मैं भी, चलो आप लोग भी अच्छे एग्ज़ाम लिखो अब। तो गाइस, जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक तुम लोगों को। और हैबत बिल्कुल भी मत खाना यार, तुम्हारा भाई तुम्हें बता रहा है कि मेरा जब पहला बोर्ड एग्ज़ाम था ना, तब मुझे ना दिल में धक 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 हो रहा था कि सेंटर में जाते ही मैंने बस अपना हॉल टिकट नंबर देखा और जाके वहाँ पर खामोश चुपचाप से बैठ गया। फिर वहाँ पर जो है इन्विजिलेटर आया और पेपर दिया और पेपर मैंने लिख दिया। पहला पेपर में ज़रा बहुत डर था मेरे को। फिर उसके बाद में मेरा नेक्स्ट पेपर आया हिंदी पेपर टू मेरा ऐसे किया, मतलब नॉर्मली किया समझो, डरिश था उसमें भी। फिर तेलुगु के दिन ना यार, वो बहुत बेहतरीन पेपर लिखा मैं, आज तक याद है मेरे को। और ना यार, मेरे को 100 out of 100 आए तेलुगु में। आज तक मेरे को याद है कि जब मैं 10th का एग्ज़ाम लिखा था तो मेरे को तेलुगु से बिल्कुल भी होप नहीं थी, मगर मेरे को सबसे ज़्यादा मार्क्स तेलुगु में आया। तो मैं अब उन सारे लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो बोर्ड एग्ज़ाम लिखने वाले हैं, हैबत बिल्कुल भी मत खाना यार। बस देखो चिट्ठियाँ आटियाँ तो अपन कैसा भी मारते हैं, मगर ज़रा एक आइडिया से मार लेना, समझो समझ ना तुम ना मेरी बात को। ठीक है चलो, रिजल्ट डे पे वीडियो लाने वाला हूँ मैं। अभी तो मेरे भी एग्ज़ाम चल रहे हैं यार, और जैसे ही एग्ज़ाम हो जाएंगे मैं रिजल्ट पे वीडियो लेकर आऊँगा। फिर मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। अरे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और तुम्हारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करके और पे क्लिक कर लेना, ये तो बोलना भूल ही गया मैं। ठीक है चलो, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स।